Dear students of Deji First Semester, आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफ द सेम चैप्टर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस। इससे पहले कि हम आज का टॉपिक शुरू करें, डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और वीडियोस जरूर शेयर कर लेना ताकि दूसरे जो आपके क्लासमेट्स वो भी इन वीडियोस से इस्तेफादा हासिल कर सके। नाउ वी डिस्कस टुडेज टॉपिक। टॉपिक इज टर्म, टर्म का स्टेटमेंट क्या है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट इफ इट एग्जिस्ट्स इज यूनिक। स्टेटमेंट इस तरह है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है उस फंक्शन का लिमिट एट ए पॉइंट अगर एग्जिस्ट होता है देन दैट लिमिट इज यूनिक। तो अब क्या कि हमारे पास गिवन एक फंक्शन है, से एफ एक्स इज गिवन फंक्शन, इस फंक्शन का अगर लिमिट एग्जिस्ट होता है एट ए पॉइंट, पॉइंट हम मान ले सी, अगर इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होता है एट सी देन दैट लिमिट इज यूनिक। नाउ टेकिंग प्रूफ, कंसिडर एफ एक्स बी द गिवन फंक्शन, बी द गिवन गिवन फंक्शन टू हैव लिमिट एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी। नाउ टू प्रूव दिस रिजल्ट द लिमिट इज यूनिक, इस रिजल्ट को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से डिस्कस करने जा रहे हैं। वी कंसिडर हियर द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट से एक्स इज इक्वल टू सी आर एल वन एंड एल टू। हम मान ले कि इस फंक्शन के दो लिमिट्स हैं कि कहां पे एट एक्स इज इक्वल टू सी। सपोज एल वन एंड एल टू बी टू लिमिट्स ऑफ द गिवन फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। यहां हमने टू शो दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को शो करने के लिए वही प्रूव दिस रिजल्ट बाय कंट्राडिक्शन मेथड, कंट्राडिक्शन मेथड के लिए हम यहां पे हम ले रहे हैं एल वन एंड एल टू बी टू लिमिट्स, हम दो लिमिट्स ले रहे हैं इस गिवन फंक्शन के एट एक्स इक्वल टू सी। मीन्स एल वन इज लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स एट सी, सेम एल टू इज ऑल्सो लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी। ये दो लिमिट्स है। अब हमारे पास L1 एंड L2, दीज आर द लिमिट्स ऑफ द गिवन फंक्शन, बट दीज आर रियल नंबर्स, इक्वल तो नहीं है। इफ वी हैव टू रियल नंबर्स ए बी, यहां पे बाय ऑर्डर्ड कंडीशन तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो A इक्वल टू B होता है रियल नंबर्स में, या तो A लेस देन B होता है, या A ग्रेटर देन B। इसी तरह यहां पे L1 है, यहां पे L2, से L1 L2, L1 L2, इस L1 एंड L2 पे भी यही कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, लेकिन हम यहां दे रहे हैं कि L1 एंड L2 B2 लिमिट्स ऑफ ए गिवन फंक्शन एट x इक्वल टू c साइज दैट L1 इज नॉट इक्वल टू L2, ये हम ले रहे हैं। अगर ये L1 इज नॉट इक्वल टू L2 बाय ऑर्डर्ड कंडीशन ऑफ रियल नंबर्स, ये कंडीशन पॉसिबिलिटी नहीं है, तब जाके या तो ये पॉसिबिलिटी या तो ये पॉसिबिलिटी है।
जो हम चाहे वो ले सकते हैं, टेकिंग फर्स्ट वन, टेकिंग विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, एल वन इज लेस देन एल टू. नाउ वी हैव एल वन इज लिमिट, तब जाके हमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन यूज करना है यहां पे. मीन्स वी हैव टू चूज एप्सिलॉन, हमें एप्सिलॉन को चूज करना है. इसी तरह एल टू हमारे पास लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन, उसके लिए भी हमें एप्सिलॉन चाहिए. यहां पे हम फिक्स कर लेंगे एप्सिलॉन को. एप्सिलॉन हम मान लें से यहां पे एल टू इज ग्रेटर देन एल वन, वी टेक एल टू माइनस एल वन ओवर टू. एल टू इज ग्रेटर माइनस एल वन स्मॉलर डिवाइड बाई टू, वी टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू दिस, इट इज पॉजिटिव. ये तो पॉजिटिव ही होगा. एप्सिलॉन का वैल्यू हम ये लेंगे, हमने चूज किया एप्सिलॉन का वैल्यू एल टू माइनस एल वन डिवाइड बाई टू. नो गिवन दिस एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स हैव लिमिट एल वन एट एक्स इक्वल टू सी, फॉर दिस एप्सिलॉन पॉजिटिव देर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव. हम लेंगे यहां पे देर एग्जिस्ट डेल्टा वन पॉजिटिव. वी हैव टू लिमिटर्स, फर्स्ट लिमिट के एक लिमिट के लिए हम डेल्टा वन लेंगे, दूसरे लिमिट के लिए डेल्टा टू लेंगे. वी हैव एफ ऑफ एक्स टू हैव लिमिट एल वन, फॉर गिवन दिस एप्सिलॉन पॉजिटिव देर एग्जिस्ट डेल्टा वन पॉजिटिव, सच दैट गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड, दिस वन कंडीशन सेटिस्फाइड. सिंस एल वन इज लिमिट ऑफ एफ एक्स, ए लिमिट एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, देन फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, ये जो गिवन हमने लिया गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट डेल्टा वन पॉजिटिव, सच दैट क्या होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एल वन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर जीरो इज लेस देन एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा वन. ये हमारे पास होगा. इट इज बाय डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट. नाउ वी हैव एल टू इज ऑल्सो लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एट सेम पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, फॉर द सेम एप्सिलॉन पॉजिटिव, वी से देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट दिस कंडीशन सेटिस्फाइड. ऑल्सो एफ ऑफ एक्स हैव लिमिट एल टू एट एक्स इज इक्वल टू सी, देन तब जाके हमारे पास क्या होगा फॉर द सेम एप्सिलॉन पॉजिटिव, सेम एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा टू पॉजिटिव, सच दैट क्या होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एल टू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर जीरो इज लेस देन एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा टू. ये हमारे पास अब होगा. अब हमारे पास ये दो रिलेशंस आ गई है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल वन इज लेस देन एप्सिलॉन इन दिस नेबरहुड, इसी तरह एफ ऑफ एक्स माइनस एल टू इज लेस देन इन दिस नेबरहुड. ये दो कंडीशंस हमारे पास आ गई. नाउ अब हम यहां इसको देख लीजिए, यहां पे जो ये इट इज सिंपली ए नेबरहुड से एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा वन ग्रेटर देन माइनस डेल्टा वन, सी यहां है सी माइनस डेल्टा वन लेस देन एक्स लेस देन सी प्लस डेल्टा वन. तो नेबरहुड ऑफ सी डेल्टा वन नेबरहुड ऑफ सी, इसी तरह यहां पे भी दिस वन इट इज
C minus delta 2 is less than x less than C plus delta 2. ये हमारे पास इन दो relations में जो यहाँ पे ये दो sets हैं, these are the neighborhoods of C. But these two neighborhoods depends upon delta 1 and delta 2. If we take fixed delta is equal to minimum of delta 1, delta 2. ये हमने taking delta is equal to minimum of delta 1, delta 2. ये हम ले रहे हैं. जब हम डेल्टा को मिनिमम ले रहे हैं एज डेल्टा वन एंड डेल्टा टू से, तब जाके ये रिलेशन भी सेटिस्फाई होगी और ये रिलेशन भी सेटिस्फाई होगी. कहां पे? जीरो इज लेस देन एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा. इसी तरह जीरो इज लेस देन एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा एज दिस सेट. ये जो हमारे पास यहां पे नेबरहुड है दिस ऑलवेज कंटेनर्स, ये इस कंटेन को इस सेट को कंटेन कर रहा है. सी माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स लेस देन सी प्लस डेल्टा एज डेल्टा इज मिनिमम ऑफ डेल्टा. इसी तरह ये भी इस सेट में होगा. सी माइनस डेल्टा ये सेट भी इसमें कंटेन होगा. दोनों सेट इस सेट में कंटेन होंगे. ये भी नेबरहुड है दैट मीन इट इज ए सेट. ये भी नेबरहुड है दैट मीन इट इज ए सेट. दिस सेट as delta is minimum of delta 1, delta 2. Sorry for this. C minus delta. Delta ka value smaller hai as delta 1 and delta 2. In mein se jo sabse chota hai, wahi value hum delta ka le rahe. Minus, tab ja ki ye jo C minus delta hai, less than x, less than C plus delta, ye set, it is subset of this set. It is also subset of this set. But this condition satisfies in this neighborhood. अब जाके ये condition इस neighborhood में भी satisfy होगा. इसी तरह ये condition भी इस neighborhood में satisfy होगा. Since x such that x such that 0 is less than x minus c is less than. Now we write this relation by this less than delta is contained. 0 is less than x minus c is less than delta. And x such that 0 is less than x minus c is less than delta is less than x minus c is less than delta. ये दो relations हमारे पास होंगी. That is, this set is subset of this set is subset of this set. But हमारे पास ये जो condition है f of x minus l1 is less than epsilon, it satisfies for this set. इसी तरह ये condition यहाँ पे satisfy होती है. इसका मतलब ये दोनों conditions इस वाले सेट पे भी सेटिस्फाई होगा. Therefore we have f of x modulus of f of x minus l1 is less than epsilon for 0 is less than x minus c is less than delta. And इसी तरह यहां पे f of x minus L2 is less than epsilon for same. ये condition भी इस neighborhood पे satisfy होगा. ये condition भी इस neighborhood पे satisfy होगा.